Hi guys, welcome back again to our channel Sunil Creative Hairstylist. I'm Sunil and today I'm just going to show you all how to do spreading technique. आज हम बात करने जा रहे हैं स्प्रेडिंग टेक्निक के ऊपर. आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर स्प्रेडिंग टेक्निक का आप एक ट्यूटोरियल बना दीजिए, क्योंकि हम स्टाइलिंग करते हैं हमसे वो बाल स्प्रेड नहीं होता. और कई कहते हैं कि आपका जैसे एक फ्लो में आता है, मीन्स आप एक बार ही स्प्रेड उसको रर करके मीन्स आप उसको स्प्रेड कर देते हैं, तो ऐसा इफेक्ट हमारा नहीं आता. वाई हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमें इस चीज़ का हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हम कैसे कर रहे हैं, हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं. तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल बना जाए आप सभी लोगों के लिए ताकि आप सभी लोगों की हेल्प हो जाए. सो गाइस आज हम वही देख रहे हैं कि स्प्रेडिंग टेक्निक आपने कैसे यूज़ करनी है, मीन्स आप स्प्रेड कैसे कर सकते हैं. आज हम इसको थोड़ा बारीकी से समझेंगे. सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा कि हम इसको कर कैसे रहे हैं. आप फिंगर पे एंड प्रेशर पे जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने, गौर से देखें, तो ज़रूर डेफिनेटली यू कैन एबल टू डू. सो गाइज सबसे पहले आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लेनी है एज यूजुअली. आपने ब्लो ड्राई करना है, क्रिम्पिंग कर सकते हैं इफ़ यू वांट मोर वॉल्यूम एंड टेक्सचर. अगर आपको वॉल्यूम एंड टेक्सचर दोनों चाहिए तो आप कर सकते हैं. तो हमने जस्ट ये अपने ब्लो ड्राई किया हुआ है, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ऑल कि हम टेक्निक को अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट्स इट. तो मैंने ये दो सेक्शन छोड़े हुए हैं फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम दिस साइड. तो हम इसमें स्प्रेडिंग करेंगे और थोड़ा सा हम सिंपल सा फ्रंट वेरिएशन देखेंगे विद स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ में. बट आप लोगों ने गौर करना है कि हम स्प्रेड कैसे कर रहे हैं. तो मैं कई तरीके से थोड़ा आप लोगों को बताने की समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ. तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पास से दिखाई दे. तो लेट्स सी. ओके सो गाइस ये हमने दो सेक्शन लिए हुए हैं. तो आपने क्या करना है, सपोज आप इस पार्ट पे आप स्प्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट पे आप स्प्रेडिंग कर रहे हैं. हमें फॉल कुछ यहाँ से चाहिए और इस सेक्शन को आप बैक की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, बट फॉल यहाँ चाहिए हमें. तो आप स्प्रेडिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सेक्शन को कॉम करना होता है, ठीक है, इसको आप नीट एंड क्लीन पहले आपने इसको कॉम करना है. और इसमें आप ये ओसिस का शाइन स्प्रे है, अगर है आपके पास में तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, विदाउट इसके भी आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको विदाउट इसके दिखाते हैं. तो आपने इसको कॉम करना है स्प्रेडिंग के लिए. किसी भी सेक्शन पे आप जिस सेक्शन पे ऊपर आप स्प्रेडिंग कर रहे हैं उसको आपने फ्लैट रखना है. तो जैसे आपने इसको कॉम किया अगेन एंड अगेन अगेन दूसरी बार आपने कॉम किया, इट शुड बी फ्लैट, इट शुड बी नीट एंड क्लीन. देन आपने इसको दो फिंगर से पकड़ना है, ठीक है, ये देखिए ये दो फिंगर से हमने इसको पकड़ा है. एंड देन इस सेक्शन को आपने होल्ड भी करना है. तो ये दो फिंगर है इससे हमने इसको होल्ड किया. अब ये थंब और ये फिंगर इसको आप यहाँ पे ऐसे लॉक कर लीजिए कि ये सेक्शन आपसे छूटे ना, ठीक है, ये सेक्शन आपसे छूटे ना. तो देन आपने इसको स्प्रेडिंग किस डायरेक्शन में देना है. अब आपको स्प्रेडिंग के डायरेक्शन कहाँ चाहिए, आपने ये यहाँ देना है, आपको उस डायरेक्शन में प्ले करनी है. तो जिस भी डायरेक्शन में चाहे वहाँ पे आपने उसको पकड़ के और स्प्रेड करना है, ठीक है, मीन्स इस सेक्शन को पुल डाउन करना है, खींच देना है नीचे की तरफ. अब ये यहाँ पे हल्का सा ग्रिप है, ये बहुत लाइट कंट्रोलर, इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है आपके सेक्शन को और ये बिल्कुल लूज है, ठीक है, ये इसको जाने देगा. और यही भी सेक्शन से जैसे हम इसको यहाँ से पुल करेंगे तो ये हमने बहुत लाइट प्रेशर यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल टच इफेक्ट, मीन्स हल्का सा कंट्रोलर, ऐसा भी नहीं कि आपने बिल्कुल जाने देना, हल्का सा कंट्रोल रखना है ताकि बाल कितना स्प्रेड होना है वो आपकी मर्जी से हो, ठीक है. सो अगेन आई एम डूइंग कॉम्बिंग. हमने इसको क्या करना है, कॉम करना है, इसको आपने ग्रिप करना है यहाँ पे, ये देखिए ग्रिप किया, टर्न बनाना है आपने जहाँ से आप स्प्रेडिंग कर रहे हैं. अब यहीं से हम इसको स्प्रेड करेंगे डाउनवर्ड की तरफ. तो आप यहाँ से जितना प्रेशर आपने इधर रखा हुआ है उतना प्रेशर आपने फिंगर पे रखना है, मीन्स आप हल्का सा बाल को खोलेंगे, हल्का सा प्रेशर रखेंगे. तो ये हल्का सा प्रेशर रखा और जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने इवन प्रेशर मेंटेन करते हुए नीचे आना है. सो ये हो गई आपकी स्प्रेडिंग, ठीक है. और अब जैसे यहाँ पे हल्का सा डिस्कनेक्टिंग है तो इसको आप टेलकॉम से भी मर्ज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप इसको मर्ज कर दें, देन आप इसमें स्प्रे कर दें और इसको नीट एंड क्लीन करके आप सेट कर दें, ठीक है.
बिल्कुल स्लो मोशन में। अब फिंगर में क्या होना चाहिए, प्रेशर बहुत लाइट प्रेशर होना चाहिए, बहुत कम प्रेशर। जैसे हम टच करते हैं किसी को, लाइक हल्का सा टचिंग इफेक्ट, आपने इसको हर एक बाल को पतला सा स्प्रेड करके खोल देना है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता, मैं एक बारी फिर से दिखा देता हूँ आपको कि कैसे किया हमने इसको। जस्ट कॉम किया, सी इसको दो फिंगर से ग्रिप किया, ये टर्निंग पॉइंट आपने बना लेना है। अब स्प्रेडिंग कहाँ देनी है, सपोज़ हम अभी हमने यहाँ पे दी थी, अब हम स्प्रेडिंग यहाँ देंगे फोरहेड, सपोज़ आपने फोरहेड को कवर करना है, तो आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में इसको कॉम किया, यहाँ से लेके हमने इसको यहाँ पे कॉम किया। अब इसको बैकवर्ड की तरफ लेके कर्व आपने वहाँ देना है जहाँ आपने स्प्रेडिंग करनी है। इसको कॉम किया स्ट्रेटली, कर्व दिया यहाँ पे, ग्रिप किया, अब स्प्रेडिंग यहाँ देनी है हमने, तो इसको पकड़ के आपने फोरहेड की तरफ स्प्रेड करना है, सी, तो ये स्प्रेडिंग आपकी यहाँ पे आएगी। डायरेक्शन जहाँ आप देना चाहोगे वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको स्प्रे करेंगे आप, इसको ग्रिप करेंगे आप, और इसको स्प्रेड करते हुए आप बैक पॉइंट पे चले जाएंगे, तो ये आपका फोरहेड कवर करते हुए आ जाएगा। तो सेकंड ऐसा है कि मीन्स आप उसको पकड़ के कहीं भी आप स्प्रेड कर सकते हो। डायरेक्शन देखो, यहाँ रखा तो ये कर्व यहाँ बनाए, तो ये इधर स्प्रेड हुआ, ठीक है। और आपने इसको फोरहेड पे देना है, तो आपने इसको यहाँ पकड़ा, यहाँ कर्व देना है, इसको इधर स्प्रेड किया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्प्रेडिंग। अब अगर आपने यही स्प्रेडिंग जो है हमें यहाँ ना तो हम यहाँ दे रहे हैं, ना तो हम यहाँ दे रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्प्रेडिंग ओवर हियर, ठीक है, ऑन दिस पार्ट, तो जस्ट आपने यहीं पे इसको कॉम करना है। अब यहीं पे आप इसको इस डायरेक्शन में स्प्रेड करेंगे, सो जस्ट डू डाउनवर्ड्स, सी, तो ये आपका एयर भी कवर हो गया है, और इसको यहाँ पे ग्रिप कर दें। तो इस तरीके से आपने जिस भी पार्ट पे चाहे आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं, और उस पार्ट को आप ईजिली दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा दूसरे प्रोसेस से भी समझते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट्स क्या क्या है कि पहले आपने इसको कॉम करना है, दूसरी बार क्या है, आपने इसको दो फिंगर से ग्रिप करना है, थर्ड पॉइंट क्या है, ये थंब और ये वाली फिंगर से इसको ग्रिप करना है कि सेक्शन छूटे ना, एंड नाउ आपने बिल्कुल यहाँ पे लाइट प्रेशर रखना है कि सेक्शन को जाने दें, और देन उसके बाद में इसको डाउन की तरफ पुल कर देना है और आपकी स्प्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। इससे आपने बहुत लाइट प्रेशर रखना है। अब इसी का हम दूसरे तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। आपने सेक्शन को कॉम किया बिल्कुल यहाँ पे, दो फिंगर से आपने इसको ग्रिप करना है, सेम थिंग, पकड़ने का तरीका वही रहेगा। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा इन सेक्शन पे, तो यहाँ पे आप स्लो मोशन में, बिल्कुल जब आप नए नए सीख रहे होंगे तो अगर आपको बिल्कुल स्मूथली स्प्रेडिंग नहीं होती है आपसे, तो आप इसको कैसे करोगे, स्लो प्रोसेस में इसको टर्न किया, यहाँ पे ग्रिप किया। अब इन हेयर पे ऊपर आप गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे, तो यहाँ से पकड़ा, जस्ट पुल डाउन हल्का सा, इसको भी जस्ट पुल डाउन, ठीक है। ये देखो ये हेयर आ रहे हैं, यहाँ से इसको नीचे खींचा आपने तो ये हेयर ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से ये देखिए और खींचा तो ये नीचे आ गए, तो यहाँ से यहाँ क्या किया आपने, स्प्रेडिंग कर दें, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में आप ऐसे इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बारी और बता रहा हूँ, इसको कॉम किया, यहाँ पे ग्रिप किया, अब स्लो प्रोसेस, यहाँ देखिए ये बाल आगे की तरफ खींच रहे हैं हम, डाउन की तरफ, ये ऑटोमेटिकली खींचेगा यहाँ से, ये देखिए बिल्कुल फिंगर से यहाँ से डाउनवर्ड, ये स्लोली स्लोली आप इसको पतला बना के डाउनवर्ड की तरफ खींचिए, यहाँ से नीचे से इसको बढ़ाना है, ऊपर से सेक्शन को बराबर स्प्रेड कर लेना है, ऊपर से इन हेयर को नीचे आने दो, तो ये हो गई आपकी स्प्रेडिंग, ठीक है। तो आप दूसरा तरीका ये है, जब आप शुरुआत में कर रहे हो, जब आपको स्प्रेडिंग आ जाएगी, आपका हैंड यूज्ड हो जाएगा, फिर आप उसको पकड़ के आप इवनली स्मूथ आप स्प्रेडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा फ्रंट वेरिएशन भी बना ही लेते हैं, जब स्प्रेडिंग टेक्निक कर ही रहे हैं, तो पहले इन हेयर को आप फिनिशिंग कर लें ताकि ये स्टार्लिंग में बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। नाउ इसको आपने कॉम किया, और सपोज़ आपने स्प्रेडिंग देनी है यहाँ पे, फ्लैट कॉम करेंगे। अब देखो ओसीस का स्प्रे करेंगे आप, तो थोड़ा शाइनिंग अच्छा मिलेगा आपको, एंड फ्रिज कंट्रोल भी होता है इससे, तो जस्ट आपने इसको कॉम करना है। नाउ शी शाइनिंग इफेक्ट आ चुका है इसमें, एंड नाउ फ्रिज कंट्रोल भी है, यहीं से आपने स्मूथली इसको स्प्रेड कर लेना है, सी। तो ये आपका स्प्रेडिंग, अब स्प्रेडिंग का फॉल कहाँ तक रखना है, ये सेक्शन को आप बैकवर्ड में ले जाएंगे, पीछे आपने चाहे बन बनाया है, चाहे आप ओपन स्टार्लिंग आप दे रहे हो, जैसी मर्जी स्टार्लिंग आपने प्ले करनी है वैसे आप प्ले कर सकते हो,
तो बिल्कुल आप इसको फॉल में ले जाएंगे, हल्का सा हार्ड स्प्रे किया है हमने इसमें, और बैक पॉइंट पे आप इसको होल्ड कर लीजिए, ठीक है। होल्ड करने के बाद हम इसको जो है यहाँ पे लॉक कर देंगे, या तो आप बॉबी पिन से, अभी हमने इसको होल्डिंग पे रखा है। अब इसके ऊपर आप लाइन बनाना चाहो तो आप लाइन भी बना सकते हो, इसके ऊपर आप लाइन बनाना चाहें तो यहीं से पुलिंग टेक्निक से आपने इसको ऊपर उठा देना है और लाइंस बना देनी है, वो हम फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इसको लॉक कर लेते हैं। तो ये आप सिंपल सा आपका स्प्रेडिंग टेक्निक के अकॉर्डिंगली आप ये फ्रंट वेरिएशन आप दे सकते हो, सिंपल सा। आगे टॉप पॉइंट पे पफ हो चाहे कुछ भी हो आप बना सकते हैं, और इसको बैक पॉइंट में आने के बाद जहाँ पे भी आपका लॉकिंग पॉइंट है ये बैक पॉइंट पे आप यहाँ पे इसको लॉक कर दें, तो इस साइड से आपका पूरा ये पूरा स्प्रेडिंग पार्ट रहेगा, ठीक है। फ्रंट से भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की लुक आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा आप और डाउन कर सकते हो अगर आपको थोड़ा फॉल और भी चाहिए तो। सेम विल बी अदर साइड, अदर साइड से भी आप समझें। देखो ये पतला सा सेक्शन है, इसको भी आप क्या करेंगे, पहले फ्लैट कॉम करना है। अगेन ओसिस का स्प्रे करेंगे दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा आपको फिनिशिंग भी मिलेगा और फ्रिज कंट्रोल भी मिलेगा। जिनके पास में नहीं है कोई बात नहीं, आप हल्का सा हार्ड स्प्रे यूज़ करके दूर से हल्का सा करके फिर उसको कर सकते हैं। सपोज जैसे ये हार्ड स्प्रे है तो उसको दूर से आपने बस इतना इनफ है ताकि आपके फ्रिजी हेयर कंट्रोल हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। फिर कॉम करें तो फ्रिजी हेयर ऑलमोस्ट काफ़ी बैठ जाएंगे, एंड देन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आएंगे। अब कॉर्नर पॉइंट पे आपने इसको स्प्रेड करना है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट पे। तो इसको हमने फ्लैट कॉम किया, बिल्कुल पतला होना चाहिए काम, ये आपका सेक्शन बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। कॉम आप बिल्कुल नीट करके करें, कॉम इस तरीके से आपने इसको करना है। नाउ उसको ग्रिप करेंगे दो फिंगर से और यहीं से डाउनवर्ड की तरफ स्प्रेडिंग कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी आप बिल्कुल एयर के जस्ट टॉप पॉइंट पे रखते हुए पीछे आपने इसको ले जाना है, और इसको भी आप यहाँ पे लॉक कर देंगे बैक पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपका ये फ्रंट वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ पे आप लाइंस बनानी चाहिए तो बना सकते हो, ठीक है। एक बारी और दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। अब भाई बारी थोड़ा सा हम इसको स्लो मोशन में भी, या जो स्लो प्रोसेस है उसको भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको आपने कॉम किया स्लो प्रोसेस में, कैसे बोला था आपने कि आपने इसको कॉम करना है, यहाँ पे ग्रिप करना है। अब इस हेयर को देखिएगा, यहीं से आपने इसको डाउनवर्ड की तरफ 1 2 1 2 ये स्लोली स्लोली आपने सेक्शन को स्प्रेड कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन स्प्रेड हो गया, देन आपने इसको मर्ज कर दिया, यहाँ पे ग्रिप किया और इसको पीछे ले गया सेक्शन को, फिर छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप इस पार्ट की स्प्रेडिंग करेंगे, सेम लुक हियर। और इसको बैक पॉइंट पे जाके आपने, या तो यू पिन से पहले आप इसको होल्ड कर लें सेटिंग से पहले पहले, क्योंकि अभी हमने इसको फिक्स नहीं किया है, टेम्परेरी होल्ड। एंड नाउ हार्ड स्प्रे लें और इसको फिक्स कर दें। तो यहाँ से या दूर से हार्ड स्प्रे करेंगे, जस्ट डू नीट एंड क्लीन, फ्लैट करके ले जाएंगे इसको स्मूथ। हमने इसमें रिजल्ट हम इसमें प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल मीन्स नीट स्टाइलिंग है। स्प्रेडिंग टेक्निक के थ्रू हमने दो फ्लैप बना दी हैं बोथ साइड, ठीक है। और इसको भी आप इस बैक पॉइंट पे बॉबी पिन से लॉक कर लेंगे। तो चाहे आप अपोजिट साइड लॉक कर लो और चाहे आप इस पॉइंट पे आप लॉक कर लें, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं या जहाँ पे आपका सेक्शन इजी टू लॉक होता है। तो इस तरीके से आपने इसको लॉक कर लेना है। जब भी आपको सेक्शन को टाइट लॉक करना है तो उसको क्रिस क्रॉस ज़रूर करें, मीन्स उसको ऐसे क्रिस क्रॉस करना है तो वो सेक्शन बिल्कुल टाइट करके लॉक हो जाता है, जल्दी से खुलेगा नहीं, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से आपने ये स्प्रेडिंग टेक्निक के थ्रू आप कुछ इस टाइप का सिंपल सा फ्रंट वेरिएशन आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड स्प्रेडिंग आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। एंड सी सो दिस इज़ द आपका ये फ्रंट वेरिएशन। बैक पॉइंट पे गाइस चाहे आप इसका बन बना लो, एनीथिंग यू कैन क्रिएट इन द बैक पॉइंट। तो सपोज़ इसको हम ओपन रखना है, पोनीटेल बना सकते हो, तो कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो आई एम जस्ट नॉर्मल ट्विस्टिंग, मैं इसको नॉर्मल ट्विस्ट कर रहा हूँ सिंपल सा, और इसको हल्का सा आप फ्लफी बना लीजिए। आजकल जैसे छोटे से बन चला करते हैं ना, कि फ्रंट से टॉप से थोड़ा सा मैसी सा, और बाद में आपने उसको बैक पॉइंट पे छोटा सा बन बना दिया, तो आप बना सकते हो काइंड ऑफ मैसी बन,
इसको रोल करके बैक पॉइंट पे आप यहीं पे यू पिंस लगा रहे हो. इट्स अ टेम्परेरी है, इट्स नॉट लाइक अ, बिल्कुल हमने इसको सिंपल सा एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी बना सकते हो, बन जाते हैं ऐसे, बन क्लाइंट हमसे काफ़ी मांगते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग स्टाइलिंग में, तो आप बना सकते हो जब आपके पास में कम समय है. मैं जो बोलते हैं ना 5 या 10 मिनट की स्टाइलिंग बता दो, तो उस टाइप में ये आप बना सकते हो. सो दिस विल बी आर सिंपल बन, ठीक है, बट स्मॉलर बन, जैसे कि इंग्लिश बन चला करते हैं, कहते हैं ना इंग्लिश बन, और जो हॉलीवुड में देखते हैं आप स्टाइलिंग में, तो छोटा सा, या इंडो वेस्टर्न स्टाइलिंग में गाउन के साथ में छोटा सा मैसी बन बैक पॉइंट पे क्रिएट करते हैं. सो इस टाइप का बन आप जो है दे सकते हैं, बस इसको आप अलग अलग जगह से आप टेक्सचराइज कर दें, एंड दैट्स इट. सो दिस इज़ द आर बैक, दिस इज़ आर बैक बन. स्प्रे करें एंड नीट करें. सो ये जस्ट आप लोगों के लिए आइडिया के लिए था, दैट्स इट. बाकी आप कुछ और भी क्रिएट कर सकते हो बैक पॉइंट से. सो कुछ इस तरीके से आपने, मेन थिंग था हमारा स्प्रेडिंग टेक्निक को अंडरस्टैंड करना. सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आपने इसको स्प्रेडिंग करना है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं. दोनों तरीके हैं आपके पास में, या तो आप स्मूथली कर सकते हैं, बट वैसे करने में थोड़ा सा समय लगेगा आपको. बेहतर है कि पहले आप स्लो प्रोसेस में उसको अंडरस्टैंड करें, एंड उसके बाद में आप उसको जो है आप स्पीड अप वे में आप इसको कंटिन्यूसली आप रख सकते हैं. आप इसको कभी भी किसी के भी हेयर पे ट्राई कर सकते हो. सपोज़ आप मैनिक्यून के अगर स्ट्रेट भी हेयर हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे भी आप स्प्रेडिंग का अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस करते रहें. सामने कोई फ्रेंड है उसके बालों पे भी आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे एक सेक्शन ले ले कॉम करें स्प्रेडिंग करते रहें. तो इससे आपका कभी भी किसी भी टाइम पर आप स्प्रेडिंग का अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मैनिक्यून के ऊपर भी, तो जैसे आप कंफर्टेबल हो. बाकी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्प्रेडिंग करने कैसे है. सो बैक पॉइंट से ये थोड़ा सा हमने एक रेफरेंस के लिए, एक्चुअली बहुत सारे क्लाइंटल ऐसे भी बन मांगते हैं, सिंपल सा छोटा सा बन मांगते हैं बैक पॉइंट पे, बट एंड टॉप पॉइंट से थोड़ा सा मैसी टेक्सचर इफेक्ट, तो वैसा भी आप क्रिएट कर सकते हो. बाकी ये सिंपल सा एक छोटा सा आइडिया था स्प्रेडिंग टेक्निक के थ्रू. बोथ फ्लैप आपने तैयार करनी है. सो दिस विल बी आर फ्रंट वेरिएशन. ये आप कई स्टाइलिंग में प्ले कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो अपने क्लाइंटल के ऊपर. सो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्प्रेडिंग कैसे करनी है. सो गाइज, आप सभी लोग प्रैक्टिस करें, और आप लोग अपना किया हुआ वर्क, जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग शेयर करना चाहते हो अपना वर्क, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें टैग कर सकते हैं सुनील कुमार हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से, तो वहां पे मैं जरूर आपके काम को देखूंगा, अप्रिशिएट करूंगा. तो करेक्शन की नीड भी होगी तो डेफिनेटली आई विल टेल यू ओवर दैट कि आपको कहां पे करेक्शन की नीड है. तो जितना हेल्प हो पाएगा डेफिनेटली विल डू फॉर यू. सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है. दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जिससे आपको अपडेट मिलता है कि कुछ नई वीडियो आई है स्टाइलिंग से रिलेटेड, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आगे के लिए, तो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको कंटिन्यूसली नई अपडेट मिलते रहेंगे. सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ. टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा. टिल देन, बाय बाय. हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है. दोस्तों, हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं. अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं, तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. दोस्तों, हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में. अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है. आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये दो नंबर हैं 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. सो आप इन नंबर पे कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं. सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.